हरीम बच्चे कितने अच्छे यार बड़ी कब होगी? बड़ी कब होगी? मैं सलीम साहब का सवाल भी पूछती हूँ आपसे, मुझे पहले बताएं बच्चे कितने अच्छे। यार मैं कहती हूँ बच्चे जो हैं तो आप वही बात है, मतीरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस दौर में जितना आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम तरबियत तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि पैदा करना या जरूरी नहीं है, बच्चों की तालीम और बच्चों की तरबियत और उन पे फोकस करना और उनको माशरे के लिए तैयार करना हर चीज के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। इस दौर में हमें सोचना चाहिए, सोच समझ के जो है तो बच्चे पैदा करने चाहिए कि आया हम इनकी अच्छी तालीम तरबियत और इनको एक अच्छी जिंदगी दे सकेंगे, उस लिहाज से आप प्लानिंग करो, फैमिली प्लानिंग। चलिए आपकी तरफ से गुड न्यूज का इंतजार है। आप पे डिपेंड करते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। देखें मुझे पता था, मैं आपको बताती हूँ, देखें मुझे पता था कि मैं अभी इतने मतलब इतनी जल्दी अगर मैं माँ बन गई या इतनी जल्दी मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो मैं उस तरह खुश उसलूबी के साथ नहीं निभा सकूंगी। मैं इतनी अच्छी माँ अभी मतलब उस तरह से अच्छी तालीम तरबियत इस तरह नहीं कर सकूंगी, क्योंकि खुद मेरा जो है तो मैं मेंटली इमेच्योर्ड हूँ, तो मैंने अभी प्लानिंग नहीं की। तो मुझे ये था कि शादी के मतलब 2 साल या 3 साल इतनी जल्दी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर एक को औलाद दे, लेकिन 2-3 साल बाद में जो है तो प्लान करूंगी, और जब मैं बच्चे पैदा करूंगी तो मैं उनके लिए एक अच्छी माँ साबित होऊंगी। तो मैंने ये सारा सोचा हुआ था, जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा मैं, मुझे मतीरा ये बताएं, अब आगे बढ़ते हैं ना उनके रैपिड फायर जल्दी जल्दी, मैंने आपसे पूछना है रीमा या मीरा? रीमा। वजह? शी इज वेरी एलिगेंट, आई लव हर, शी इज वेरी एलिगेंट, मुझे वो एक बहुत, मुझे लगता है रीमा जी बड़ी हम्बल और सोफिस्टिकेटेड सी है वो ना। I love Meera ji also, but I just hope Meera ji can be more little bit like Reema ji. Meera ठीक है, उसने बहुत तफरी दी है काम को। सलीम साहब ये बहुत awkward था, समझ में नहीं आया क्या थी तफरी जो दी है। अच्छा लोगों को मीडिया के जरिए एंटरटेन किया है, करती रहती है। Absolutely. हाँ मतलब उनको वैसे लाइमलाइट में रहना आता है, वो कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि वो इंग्लिश सीख रही हैं या फिर वो वहाँ जब गई हैं। तो खैर मुझे ये लगता है, देखो जब आपने इतनी स्टारडम की जिंदगी जी ली है, आपने हर चीज देख ली है, फिर एक वक्त आता है जहाँ हर इंसान को अपना ग्राउंड बनाना चाहिए और उस स्टारडम से दूर हटना चाहिए, मतलब बच्चे अपना जाती घर, क्योंकि वही आपका सुकून होता है। सही बात है, आपकी पर्सनल लाइफ भी जो है वो मैटर करनी चाहिए। स्टारडम हमेशा नहीं होता, सही बात, तो उसको एक नशे की लत भी नहीं बनाओ, पैसा भी आपके साथ हमेशा नहीं होगा। सही कह रही हैं। अच्छा बाबर आजम या सरफराज अहमद? बाबर आजम, he's nice. I'm a fan of बाबर आजम। क्या बात है। ताबिश हाशमी या हनीफ राजा? ताबिश हाशमी। ओके अच्छा, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायात पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337-0310-377, ताकि बोल आपकी शिकायत मुतालिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।